सो मैं होटल पहुंचने के बाद अभी मैं निकल चुका हूं स्काई कैब केबल कार के लिए, क्योंकि यहां लंकावे की स्काई ब्रिज है उसके लिए मैं निकला हूं। और मैं होटल टूर नहीं दे सका जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा लेट हो रहा था। 3 o'clock को मैंने चेकिंग किया है और 3:51 अभी हो चुकी है, तो मैं वो रिटर्न आके दे दूँगा। काफ़ी ओल्डेस्ट स्टाइल की वो मेरी एयरबीएनबी है, बट अंदर से बहुत प्रिटी लगा मुझे, दो तीन बिल्डिंग मिली, उसकी मैं जो भी वीडियो है मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी चलते हैं केबल कार की तरफ, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, 4 o'clock हो चुकी है। चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या कैसा सीन रहता है, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ सीन। तब तक काफ़ी धूप हो रखी है यहाँ पे, काफ़ी धूप है, ट्रैफिक, तो चलो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। आई होप 15-20 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा। आज का शाम तो ऐसे ही निकल जाएगा, बीच पे वगैरह जाऊँगा, कल मैं वापस निकल जाऊँगा यहाँ से थोड़ा मोड़ा एक्सप्लोर करके। सो लेट्स गो। और पूरी एग्रीकल्चरल फील्ड है इधर, और सामने ये देखो जो माउंटेन दिख रही है आपको, यहाँ पर है केबल कार, यहाँ पे हमें जाना है। लेट्स सी आज कवर हो, पता कि नहीं, क्योंकि 7 o'clock पर बंद हो जाती है शायद, और यहाँ पे बारिश भी हुई, गर्मी भी हो चुकी है। सो लेट्स सी। एक्चुअली ये पहाड़ों के बीच से होके अपन हम जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे, हाँ ये पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं, चारों जंगल जंगल है, इधर पहाड़ इधर पहाड़, के बीच में से उधर समुद्र भी है। और ये देखो मैप में दिखाता हूँ आपको, ये देखो इतना घूम घूम के हमें जाना है, और फोकस एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, देखते हैं और कितना टाइम लगता है, और फिर मैं वहाँ चल के अपडेट दूंगा। केबल कार घूमते हैं, मेन है 4:20 के आसपास हम पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं टिकट की क्या सीन रहती है, एंड आफ्टर दैट मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ केबल कार की तरफ, और यहाँ से जा रहा हूँ केबल कार की टिकट लेने, देखता हूँ मिलती है नहीं। आज मैंने ब्लैक ब्लैक सी पहन रखा है, देखता हूँ कहाँ पर टिकट मिलेगी मुझे, पता करते हुए जाता हूँ और फिर इन्फॉर्म करता हूँ मैं। ये नज़ारा देखो, लगभग कैब से मुझे 20 रिंगिट्स पड़ी, लगभग 360 रुपीज़, और ऊपर जाना मुझे, पहले मैं टिकट पता करता हूँ फिर इन्फॉर्म करता हूँ मैं। तो रोड से 2 मिनट चलने के बाद साइन बोर्ड बनी हुई है केबल कार वगैरह की, यहाँ से एंट्रेंस है शायद, यहाँ से चल के जाना होगा। देखता हूँ टिकट मिलने का बस टेंशन है, और कोई टेंशन नहीं है मुझे यहाँ पे। एक बार टिकट लेके फिर मैं मिलता हूँ आपसे। सो अभी मैं हूँ टिकट काउंटर पे, और ये मुझे टिकट मिल गई है स्काई कैब की, स्काई ब्रिज के लिए ऊपर से मिलेगी टिकट स्काई कैब के पास से टॉप पे, ये 85 रिंगिट्स पड़ी और फॉरेनर्स के लिए। तो फटाफट मैं ऊपर चलता हूँ और फिर मैं अपडेट आगे देता हूँ, यहाँ का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। तो ये है टिकट काउंटर पीछे, यहाँ से आप सामने से आओगे, यहाँ से एंट्री करना है, ये है एंट्रेंस। तो मैं अंदर चल के फिर अपडेट देता हूँ मैं स्काई कैब। तो यहाँ पानी लेना अलाउड नहीं है, मेरे पानी उन्होंने रखवा लिया है, और बाकी सब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो ऊपर मैं आ गया हूँ, घर जाना है मुझे।
यहाँ से एंट्री, वापस से फोटोग्राफी वाली मुझे कराना नहीं है, डायरेक्टली मैं चला जाऊँगा। सही है, मैं 55 मिनट मेरे ले लेते हैं, इसलिए मैंने लिया नहीं। चलो अब ऊपर चलते हैं स्काई ब्रिज की तरफ, मुझे फोटोज नहीं चाहिए, आई डीएसएलआर, दैट्स व्हाई। ये कैब आ चुकी है, एक बार मैं ऑन बोर्ड हो जाता हूँ फिर वीडियो बनाऊँगा। तो ये आ चुकी है, काफ़ी स्लो है, काफ़ी मस्त नज़ारा है। भाई अकेले बैठने का कुछ मज़ा होना चाहिए कि नहीं, इसमें मैं पूरी तरह से खाली है। ये चलो केवल कार के मज़ा लेते हैं फिर ऊपर से और चलेंगे। बहुत फास्ट है यार ये तो, ये देखो यहाँ तक तो पहुँच गया मैं, अब एक दो रील्स बना लेता और रील्स बना के उसके बाद वीडियो शूट करूँगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यार, समुद्र लिटरली, वो देखो दो प्लेन एक साथ जा रहे हैं, फोकस तो नहीं कर पा रहा लेकिन यहाँ दो प्लेन एक साथ जा रहे हैं, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। काफ़ी धूप हो गई, मज़ा लेकिन आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। ये नज़ारा देखो, यहाँ आ गया, यहाँ से टिकट लेता हूँ फिर ऊपर चलता हूँ। सॉरी, सो स्काई कैब की तो मैंने ले ली टिकट, जिसकी पड़ी थी मुझे 85 रिंगेट्स की और ये मुझे 6 रिंगेट की पड़ी है। यहाँ स्काई ब्रिज पे वॉक के लिए जा रहा हूँ और ये है टिकट काउंटर, तो लगभग 85 + 6 लगभग 91 रिंगेट्स पड़ चुके हैं। तो जाता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ क्या क्या है, पहले मैं इसे लगा लूँ। तो फाइनली यहाँ सिक्योरिटी चेक करा के और मैं एंटर कर चुका हूँ स्काई ब्रिज के लिए, जो कि आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये, तो पहले नीचे चलते हैं, काफ़ी अंधेरा यार। स्काई ब्रिज, एक बार मैं पहुंच जाता हूं उसके बाद मैं अपडेट देता हूं फिर। एक्चुअली मैं गर्मी से परेशान हो गया था इसलिए कैब को निकाल दिया, और मंकीज भी यहां पे चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई यार। नीचे से स्टेयर्स, बहुत सारे स्टेयर्स हैं, 320 स्टेप्स हैं नीचे से यहां ऊपर आने में। तो यहां पर फाइनली आ चुका हूं, ये है स्काई ब्रिज, वहाँ तक वॉक करके जाना है, आप पीछे देख सकते हो। अभी तक 91 रिंगेट लग चुके हैं नीचे से यहाँ तक पहुँचने में, पानी भी रख लिया, लोगों ने पानी अलाउड नहीं है, लेकिन आप बैग में छुपा कर लेके आ सकते हो, मैंने बाहर रखा था इसलिए वो देख लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डाउन से अपन वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से फ़ोटोशूट करके डायरेक्ट अपन यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर इधर, और यहाँ से भी एक ऊपर में भी है, ऊपर वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ से सिर्फ वही टॉप दिखेगा, मेन ब्रिज ही देखना है मुझे। चलो अब ब्रिज की तरफ चलते हैं।
और रिटर्न में फोटोशूट करूँगा मैं। एटलीस्ट 20-30 तक रहे तो मैं ले सकता हूँ यार। 55 मतलब समझ, 900 रुपये की एक छोटी सी पिक्चर इंडिया में जो 100-120 मिल जाती है, बहुत महंगा यार। थैंक यू। तो इनकी पिक्चर्स को मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। So, ये लास्ट है यहाँ पे। यहीं पे ये ब्रिज एंड होती है और ये नज़ारा देख सकते हो, लास्ट ये ब्रिज एंड। सो हम वहाँ से चल के आए थे, वहाँ से चल के आए थे यहाँ तक। थोड़ा फोटो शूट कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं।